अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं सचिन सेंटर के खास कार्यक्रम के बनावे सरकार बांग्ला में आप सभी का स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल में धुआंधार रैलियां करी, रोड शो किए और इस दौरान टीएमसी पर ममता बनर्जी पर अमित शाह जमकर बरसे। उन्होंने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि दलित मतुआ और नामशूद्र समुदाय के लोगों को टीएमसी सरकार ने नागरिकता नहीं दी। उन्होंने वादा किया कि बीजेपी की सरकार बनते ही इन्हें नागरिकता दी जाएगी। अमित शाह ने इसके अलावा राहुल गांधी को पर्यटक बताया और कई मुद्दों को लेकर राज्य सरकार पर जमकर बरसे। क्या कहा है अमित शाह ने, आइए को दिखाते हैं, फिर उसके बाद बंगाल के और राजनीतिक घटनाक्रमों पर चर्चा करेंगे। 2 मई को बंगाल की जनता का जो जनादेश आएगा, इसके बाद यहां पर कट मनी लेने वाला कोई नहीं रहेगा, कट मार चली जाएगी। 2 मई को जब बंगाल की जनता का जनादेश आएगा, सिंडिकेट चलाने वाला कोई नहीं रहेगा, सिंडिकेट वाली सरकार की विदाई हो चुकी होगी। 2 मई को जब आप परिवर्तन कर देंगे, भाईपो कल्याण वाली सरकार भी विदाई हो चुकी होगी। मित्रों, आज जब मैं आया हूं तब हमारे वीर शहीद स्वर्गीय सुबोध घोष को याद कर उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, जो बारामुल्ला में पाकिस्तान की गोलीबारी के सामने लड़ते लड़ते शहीद हुए। मैं सोनार गौरांग मंदिर और तेहट्टा ठाकुर पारा के कृष्ण राय जी के मंदिर को भी नमन कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये जो भूमि है, ये भूमि प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर सुधीर चक्रवर्ती, लेखक प्रभात कुमार मुखोपाध्याय, बंगाली अभिनेता सौमित्र चटर्जी और पर्वतारोही बसंत सिन्हा की भी भूमि है। ये भूमि को मैं बार बार प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, मैं आज इतनी चिलचिलाती धूप में आप लोग खड़े हो, मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये बंगाल के अंदर घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? माताएं बहनें बताएं, घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? मित्रों, ये घुसपैठिए जो आते हैं वो मेरे युवाओं की रोजगारी लेकर चले जाते हैं। ये घुसपैठिए जो आते हैं गरीबों का चावल छीन लेते हैं। मित्रों, अगर बंगाल में घुसपैठ की यही स्थिति रही तो आप मेरी बात मानकर चलना, न केवल बंगाल, पूरे देश की सुरक्षा पर गंभीर खतरा नजर आ रहा है। घुसपैठ को रोकने की जो बात है, मुझे बताइए, तृणमूल कांग्रेस और दीदी घुसपैठ को रोक सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, रोक सकते हैं क्या? कम्युनिस्ट और कांग्रेस रोक सकते हैं क्या? वो नहीं रोक सकते, क्योंकि उनकी ये घुसपैठिए उनकी वोट। घुसपैठ रोकने का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। मित्रों, सरकार, मैं आपको बताने आया हूं, 2 मई को आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, इंसान तो छोड़िए, सीमा पार से परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। मित्रों, परिंदा भी पैर नहीं। मित्रों, ये दीदी जो है हमारे मतवा समाज के भाई है, नाम शूद्र समाज के भाई है, अन्य समाज के शरणार्थी है। नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, बताइए भाई, जोर से बोलो, मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? ये दीदी कहती है, जब तक मैं हूं मतवा समाज और नाम शूद्र समाज को नागरिकता नहीं मिलेगी। अरे दीदी, कब तक हो आप, कब तक हो? 2 मई
मई को आपकी विदाई निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। मतवा समाज और नाम शूद्र समाज को गौरव के साथ भारत के नागरिक बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने। मित्रों, जो 50 साल से 70 साल से यहां आए हैं, अपने ही देश में शरणार्थी का जीवन जी रहे हैं, क्या उनको नागरिकता ना मिले क्योंकि आपकी वोट बैंक ना बोल रही है? दीदी, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते। आपकी वोट बैंक आपको मुबारक हो, जो 70 साल से 3-3 पीढ़ी नागरिकता के बगैर बैठे हैं, वो सभी को नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और मित्रों, साथ में मैं कहने आया हूं, नागरिकता पाने वाले शरणार्थियों के लिए 100 करोड़ का एक फंड भी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनाया जाएगा, वो सभी मतवा समाज नाम सुधे लोगों के कल्याण का काम करेगा। मतवा दलपतियों को 3,000 रुपया मासिक पेंशन दिया जाएगा और मतवा समाज के विकास के लिए, नाम शूद्र समाज के विकास के लिए मतवा नाम शूद्र विकास बोर्ड की भी स्थापना करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। मित्रों, ठाकुर नगर मतवा समाज का बड़ा स्थान है। सरकार बनने के पहले सप्ताह में ही ठाकुर नगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री धाम ठाकुर नगर रेलवे स्टेशन करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। ये ठाकुर नगर को तीर्थ यात्रा के रूप में विकसित कर पूरे देश भर के यात्री ठाकुर नगर आए और हमारे पूजनियों को श्रद्धांजलि देने का काम करे, इस प्रकार का हम काम करेंगे। और श्री श्री गुरुचंद ठाकुर मंदिर को पर्यटन सर्किट के अंदर जोड़ने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली। मित्रों, मैं आपको बताने आया हूं, मोदी जी हर किसान को, देश भर में हर किसान को 6,000 रुपया हर साल भेजते हैं, आप लोगों को मिलता है क्या? क्योंकि ये दीदी बीच में रोक लेती है, ये कहती है 6,000 रुपये की किसानों को जरूरत नहीं है। भैया बताओ, जरूरत है या नहीं है? है या नहीं है? 3 साल से 6,000 रुपया नहीं दिया। मगर मैं आपको बताकर जाता हूं, 2 मई के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनेगी, 18,000 रुपया सीधा आपके बैंक अकाउंट में जमा करने का काम करेगी। और उसके बाद हर साल 10,000 रुपया हर किसान को दिया जाएगा, सालाना 6,000 रुपया हर मछुआरे को दिया जाएगा। मोदी जी किसान सम्मान निधि भेजना चाहते हैं, दीदी भतीजा सम्मान करना चाहती है, भतीजा सम्मान। मुझे बताओ भाइयों बहनों, सम्मान करने वाली सरकार चाहिए या भतीजा सम्मान करने वाली सरकार चाहिए? जोर से बोलो, किसान सम्मान या भतीजा सम्मान? पूरे बंगाल से यही आवाज आती। मित्रों, मोदी जी ने एक प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना लाए हैं, जिसमें हर गरीब को 5 लाख तक का पूरा खर्चा नरेंद्र मोदी सरकार स्वास्थ्य का उठाती। किसी को कैंसर हो जाए, किडनी फेल हो जाए, दिल का दौरा पड़ जाए, लकवा हो जाए, पैरालिसिस हो जाए, सारा खर्चा आप लोगों को मिलता है क्या? मिलता है भाई, ये माताएं बहनें बताएं, मिलता है क्या? क्योंकि इसलिए नहीं मिलता, ये दीदी रोक कर बैठी। दीदी को हटा दीजिए, 2 मई से ही हर गरीब को
5 लाख रुपया स्वास्थ्य का पूरा खर्चा भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार देगी। मित्रों, नरेंद्र मोदी, मोदी जी प्रधानमंत्री आवास लाते हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री आवास लेकर आते हैं गरीबों के लिए। दीदी अपने कैडर के 2-2 मजला मकान बना रही, ये सिंडिकेट वाले सब 2-2 मजले का मकान है। अम्फान में मोदी जी ने चावल भेजा, गरीबों का चावल। मित्रों, मोदी जी आर्थिक विकास चाहते हैं, दीदी घुसपैठ को बढ़ावा देना चाहती हैं। मित्रों, मैं आपको कहने पूछ रहा आया, आप चाहते हैं या नहीं चाहते कि चुनाव शांति से हो? चाहते हैं या नहीं चाहते है? बताओ, चाहते हैं ना? अबे दीदी कहती है सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का घिराव कर दो, दंगे कर दो। मित्रों, मैं आपको कहकर जाता हूं, आप 22 तारीख को वोट देने निर्भीक होकर निकलिए। कोई दीदी के गुंडे की, कोई मायके लाल की हिम्मत नहीं है कि आपको परेशान करे, किसी की हिम्मत नहीं। जब जनता जागती है गुंडे भागते हैं। अब बंगाल की जनता जागरूक हो चुकी है। मित्रों, दीदी कितनी भी हिंसा कराना चाहे, उनके एक नेता कहते हैं 11, 14 और 16 में जैसा हुआ ऐसे ही होंगे। भैया, अब जनता जागरूक हो चुकी है, आप ऐसा नहीं कर पा सकते। अभी हमारे देश में एक पर्यटक नेता है, पूरा चुनाव हो गया, राहुल बाबा दिखाई नहीं पड़े। देखा है आपने? देखा है? अभी एक सभा कर गए और इन्होंने कहा कि बीजेपी का डीएनए कैसा है। राहुल बाबा, आप हमारे डीएनए की मत पूछिए, मैं हमारे डीएनए का परिचय करा देता हूं। हमारे डीएनए का मतलब है डी फॉर डेवलपमेंट, एन फॉर नेशनलिज्म राष्ट्रवाद, और ए फॉर आत्मनिर्भर भारत। ये हमारा डीएनए है। उधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज बंगाल के दौरे पर थे, उनकी भी कई रैलियां और रोड शो हुए। पहले इस तरह की बात मानी जा रही थी कि जिस तरह से बंगाल में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए शायद बीजेपी अपनी रैलियों में भीड़ कम करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी की रैलियों में, रोड शो में भीड़ जमकर आ रही है और नड्डा भी इस भीड़ को देखकर गदगद दिखे। क्या कहा है नड्डा ने अपने इन रैलियों में, अपने रोड शो में? आइए इसकी कुछ प्रमुख बातें आपको दिखाते हैं। मित्रों, हमने सुना था कि ममता जी माँ, माटी, मानुष इसकी बात करती थी, लेकिन 10 साल में हमने देखा न माँ की चिंता हुई, न माटी की रक्षा हुई और न ही मानुष की रक्षा हुई है। अगर मैं माँ की बात करूं तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज बंगाल में जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है उसका क्राइम रिकॉर्ड बंगाल अभी देता नहीं है। क्राइम रिकॉर्ड देना बंद कर दिया है और इसके साथ साथ सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार, सबसे ज्यादा महिलाओं पर रेप केस, सबसे ज्यादा महिलाओं का एसिड अटैक और सबसे ज्यादा घरेलू अत्याचार सबसे ज्यादा है तो बंगाल में है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मां की चिंता तो कभी की ही नहीं। शोभा मजुमदार, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की मां, अपने बेटे की रक्षा करते करते जान से हाथ धो बैठी, लेकिन ममता जी ने एक भी शब्द उनके पक्ष में या एक भी शब्द उनके दुख में शामिल होने के नहीं कहे। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मित्रों,
ये बंगाल की दीदी, बंगाल की बेटी ने बंगाल की महिलाओं का अनदेखी की है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। जहां तक माटी का सवाल है, बंगाल जो विकास करना चाहिए था वो विकास नहीं कर पाया। मैं आज यहां पर आया हूं, ये जगह जानी जाती है धान के लिए, ये जगह जानी जाती है आलू के लिए, लेकिन यहां क्या दुर्दैव की स्थिति है कि ना यहां पर कोई वेयर हाउस है, ना यहां कोल्ड स्टोरेज है, ना किसानों को अपने अनाज को रखने की व्यवस्था है, और बिचौलिए मिडिलमैन बीच में किसानों का शोषण कर रहे हैं और कोई देखने वाला नहीं है, यह प्रशासन हमको देखने को मिलता है। आइए आपको मिलवाते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष से। दिलीप घोष पर चुनाव आयोग ने 24 घंटे का प्रतिबंध लगाया क्योंकि उन्होंने एक विवादित बयान दिया था। दिलीप घोष ने कहा था कि शीतलकुची जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति हो सकती है। अब 24 घंटे का प्रतिबंध लग गया तो दिलीप घोष ने कहा है कि मैं इस आदेश का पूर्णतः पालन करूंगा और ममता बनर्जी की तरह निर्वाचन आयोग के खिलाफ धरने पर नहीं बैठूंगा। चुनाव कमीशन फ्री फेयर इलेक्शन चाहता है और वेस्ट बंगाल चुनाव थोड़ा हाई वोल्टेज होता है, अरे शुरू किया ममता बनर्जी ने, तो फिर स्वाभाविक क्रिया प्रतिक्रिया होता है। अब चुनाव कमीशन को लगे कि हमारा स्टेटमेंट विधि के अनुसार नहीं है, उनका अधिकार क्षेत्र है, किसी को बैन कर सकते हैं, सतर्क वार्ता है। नहीं, हमारे पार्टी में ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति में पार्टी चल रही है या चुनाव चल रही है। ममता बनर्जी बैन तो पार्टी बैन हो गया, ऐसा नहीं है, इसलिए उन्होंने झगड़ा करना शुरू कर दिया इलेक्शन कमीशन से। हमारे पार्टी में बहुत सारे नेता है, लगातार प्रचार कर रहे हैं और आगे भी चलेगा, इसलिए मैं अगर एक दिन मुझे छुट्टी मिल जाए मैं विश्राम कर लूँगा, लगातार चल रहा है महीनों से। और ममता बनर्जी ने धरना दे दिया, हम तो धरना नहीं देते हैं। चुनाव कमीशन ने स्वतंत्र है, उनके अधिकार है, उनको लग रहा है कि इससे चुनाव का वातावरण बिगड़ रहा है तो किसी को भी बैन कर सकते हैं।